सामाजिक विज्ञान फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थशास्त्र का तीसरा पाठ, मुद्रा और साख। इस पाठ में हम जानेंगे मुद्रा के बारे में, फिर हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर हम जानेंगे मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। इसके बाद हम पढ़ेंगे मुद्रा के आधुनिक रूप। इसमें हम करेंसी और चेक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मुद्रा के कार्य। तो आइए सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में जानते हैं। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होता है। इसमें सिक्के और कागज के नोट दोनों आते हैं। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। भारत में मुद्रा का रूप रुपया और पैसा है। वर्तमान में मुद्रा प्रत्येक कार्य को आसान कर दिया है, परंतु क्या आपको पता है जिस समय मुद्रा नहीं था उस समय वस्तु की खरीदारी किस प्रकार की जाती थी? उस समय खरीदारी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा की जाती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात वस्तु के बदले वस्तु की खरीदारी करना। इसमें दो व्यक्तियों की सहमति से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता था। बच्चों अब हम जानेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उदाहरण के लिए मछली से तेल बदलना, चावल से गेहूं बदलना, तेल से सब्जी बदलना। प्राचीन काल में मुद्रा के अभाव में ये प्रणाली प्रचलित थी, परंतु इसमें कुछ खामियां भी थी जो हम इस उदाहरण में समझेंगे। मान लीजिए एक जूते बनाने वाला व्यक्ति है जिसे गेहूं की आवश्यकता है। वो एक किसान के पास जाता है और कहता है कि गेहूं के बदले मुझसे जूते ले लो। किसान पूछता है कि तुम्हें कितना गेहूं चाहिए, तो जूते बनाने वाला व्यक्ति कहता है कि 25 किलो। तो यहाँ समस्या ये आती है कि 25 किलो गेहूं के लिए कितने जूते दिए जाएं। तो यहाँ यह एक समस्या हुई, क्योंकि बच्चों हमें पहनने के लिए या तो एक या दो जोड़े जूतों की आवश्यकता ही होती है। तो किसान ज़्यादा जूते लेकर क्या करेगा? दूसरा उदाहरण, एक जूते बनाने वाला व्यक्ति एक किसान के पास जाता है
और कहता है कि मुझे जूते के बदले गेहूँ चाहिए, लेकिन किसान कहता है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो इस परिस्थिति में यहाँ खरीदारी नहीं होगी, क्योंकि जूते बनाने वाले व्यक्ति को गेहूँ चाहिए, लेकिन गेहूँ जिसके पास है उसे जूते नहीं चाहिए, कपड़े चाहिए। तब जूते बनाने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे जूते के बदले में गेहूँ चाहिए। तब ये दूसरा व्यक्ति कहता है कि जूते तो चाहिए, लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है, तो खरीदारी यहाँ भी नहीं हो सकती। तब यह जूते बनाने वाला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जाता है और कहता है कि मुझे जूते के बदले गेहूँ चाहिए। तो अंत में यह किसान जूते के बदले गेहूँ देना पसंद कर रहा है। तो यहाँ दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और दोनों खरीदारी यानी कि आदान प्रदान के लिए तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जूते बनाने वाले व्यक्ति को इतनी भारी जूते ढोकर तीन अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ा और अंत में तीसरे व्यक्ति से खरीदारी हुई, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ। यह कार्य बहुत ढूंढने के बाद हुआ, जहाँ पर किसान और जूते बनाने वाले व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हुई और दोनों ने खरीदारी करना पसंद किया। तो बच्चों, इसलिए इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जाना कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक समस्या है, क्योंकि इसमें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता है जो एक दूसरे के आवश्यकताओं को पूरा करे। बच्चों, तो अब वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाओं के बारे में जानते हैं। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, इसका अर्थ यह है कि हमें एक ऐसा व्यक्ति को ढूंढना रहता है जिसके पास हमारी ज़रूरत की वस्तु हो और साथ ही साथ उस व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता हो जिसे हम बेचना चाहते हैं। जैसा कि मोची और किसान के उदाहरण में हमने देखा, वस्तु विनिमय प्रणाली की दूसरी सीमा ये है कि विनिमय की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और समय लेने वाली है। वस्तु विनिमय प्रणाली की तीसरी सीमा ये है कि इसके अंतर्गत वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण करना बहुत ही कठिन होता है, जैसे कि हमने उदाहरण में देखा है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम। बच्चों, इन सारी समस्याओं का एक ही हल है और वह है मुद्रा, क्योंकि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को सुलझाती है। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। अब हम यहाँ फिर वापस चलते हैं अपनी पिछली कहानी में। एक जूता बनाने वाला व्यक्ति है जो जूते बनाकर जूते बेच रहा है। कुछ लोग उसके पास आए और पैसे देकर जूते ले गए। अब इस जूते बनाने वाले व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है, तो गेहूं वाले व्यक्ति के पास यह व्यक्ति जाता है और पैसे देकर गेहूं खरीदता है। तो यहाँ हमने देखा कि ना ही तो जूते बनाने वाले व्यक्ति को भारी जूते लेकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ा जिसकी आवश्यकता उससे मेल खाती हो। यहाँ जूते वाला व्यक्ति बड़ी आसानी से मुद्रा देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु को खरीद लिया। तो यहाँ हमने देखा कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को
सुलझाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि मुद्रा विनिमय यानी लेन देन का माध्यम है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का कार्य करती है, जिससे किसी भी वस्तु को बहुत ही आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। मुद्रा के आधुनिक रूप। मुद्रा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का लेन देन सरलता से किया जा सकता है। सिक्कों के चलन से पहले विभिन्न तरह की वस्तुएं मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में उपयोग करते थे। इसके पश्चात सोना, चांदी और तांबे जैसे धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी। करेंसी के रूप में सिक्के, कागज के नोट, चेक, एटीएम कार्ड, इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, डेबिट कार्ड आदि आते हैं और विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करते हैं। करेंसी नोट अर्थात कागज के नोट 1 रुपए को छोड़कर RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसमें 1 रुपए का नोट नहीं रहता। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करती है। मुद्रा के कार्य। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। बच्चों, मुद्रा ने विनिमय प्रक्रिया को सरल बना दिया है। दूसरा कार्य, मुद्रा मूल्य का मापक है। बच्चों, मुद्रा वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य बताता है। उदाहरण के लिए, हम यह कह सकते हैं कि ये टी-शर्ट 200 रुपये की है और चीनी 40 रुपये की है। तो बच्चों, अब यह पाठ यही समाप्त होता है। इस पाठ में हमने जाना मुद्रा के बारे में, फिर हमने जाना वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, फिर हमने जाना मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, मुद्रा के आधुनिक रूप के बारे में भी हमने जाना। उसके बाद हम मुद्रा के कार्यों के बारे में जाने। तो फिर हम अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।